दोस्तों अगर आप विरोहित शर्मा को एक अच्छा खिलाड़ी मानता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया का पहला दिन काफी ज्यादा रोमांचक रहा, जब पहली इनिंग में भारतीय टीम ने 109 रन बना दिए, जो अपने आप में ही काफी ज्यादा चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि भारत जैसी टीम को ऑस्ट्रेलिया की टीम ने मात्र 109 रन पर ऑल आउट कर दिया। दोस्तों पहले दिन दोनों ही सेशन ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे, क्योंकि इस मुकाबले में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी इनिंग में पहले बल्लेबाजी करने उतरी तो मात्र 4 विकेट खोकर 156 रन तक पहुंच गई ऑस्ट्रेलिया की टीम। अब दूसरे दिन भी ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी करने आने वाली है और भारतीय टीम को एक बड़ा टारगेट देने के इरादे से आएगी, लेकिन फिलहाल सिर्फ 47 रन की लीड आ चुकी है ऑस्ट्रेलिया के पास, जिसके चलते कैमरॉन ग्रीन और पीटर हैंडसकोम्ब बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोस्तों दूसरे दिन के खेल में कम से कम 100 से 150 रन की लीड दे सकती है ऑस्ट्रेलिया की टीम। अगर बात करें भारतीय टीम की गेंदबाजी की, अगर भारतीय टीम की गेंदबाजी तगड़ी रही, जाडेजा ने 4 विकेट लिए हैं, वो एक और विकेट लेकर अपने 5 विकेट पूरे करेंगे, जिसके चलते भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के दूसरे दिन भारतीय टीम का कब्जा हो सकता है अगर गेंदबाजों की गेंद हरकत करने लगेगी इस पिच पर। मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी अभी तक फॉर्म में नहीं आई है तो वो भी काफी ज्यादा जरूरी है। 2 रिव्यू रोहित शर्मा ने गवा दिए हैं तो रिव्यू भारतीय टीम के पास नहीं है। दोस्तों आप भारतीय टीम के प्रदर्शन को 10 से 15 नंबर देंगे हमें कमेंट बताएं।